141 सांसदों को लोकतंत्र के मंदिर से निकाला गया। संकल्प लेंगे 2024 का और भाजपा और एनडीए की सरकार को खाल फेंकेंगे। जनता का सवाल उठाने के लिए धरना प्रदर्शन करते थे, उनको कभी निकाला नहीं गया, तो आज क्यों निकाला जा रहा है? मुद्दों और जवाब देने के लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और आगे हम लोग जवाब देंगे 2024 में। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, महागठबंधन के तमाम नेता सड़कों पर उतर चुके हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, रणविजय साहू हैं, रीतलाल यादव हैं, तमाम बड़े नेता सड़कों पर हैं। रणविजय साहू जी, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, 141 सांसदों को लोकतंत्र के मंदिर से निकाला गया और जिस प्रकार से एनडीए की सरकार तानाशाही के रूप में पूरे देश में संवैधानिक ढांचाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पर उतरे हैं और संकल्प लेंगे 2024 का और भाजपा और एनडीए की सरकार को खाल फेंकेंगे। अच्छा, बीजेपी के नेता रीतलाल यादव जी कहते हैं कि आप लोग सिर्फ हंगामा करते हैं और कुछ से मतलब नहीं है, मुद्दे से तो मतलब ही नहीं है। ये तो पूरा जनता देख रही है, हंगामा कौन करता है, और जनता की बात को उठाना सदन में गुनाह है। तो हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, जो निकाले हैं वो भी समझ रहे हैं। कल वही काम करते थे, जनता का सवाल उठाने के लिए धरना प्रदर्शन करते थे, उनको कभी निकाला नहीं गया, तो फिर आज क्यों निकाला जा रहा है? तो तानाशाही प्रतीत होता है ना। कहते हैं कि आप लोग सिर्फ मिमिक्री करना जानते हैं और कुछ नहीं। ये तो 70 साल की जो स्थिति था हम लोग का सरकार में, उससे जनता देख रही है, और 14 से लेकर के 23 है, यहाँ तक की सरकार देख रही है, किसने क्या किया, किसने बनाया, किसने बेचा, सारी बात की जनता देख रही है। आप सदन में होते रीतलाल यादव जी इस वक्त, तो क्या करते? हम भी वही करते जो लोगों ने किया, जनता की आवाज उठाने के लिए। क्या लग रहा है, तानाशाही रवैया अपना रही है केंद्र सरकार? बिल्कुल। आगे अब क्या करेंगे आप लोग, सड़कों पर तो उतर गए? मुद्दों और जवाब देने के लिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं और आगे हम लोग जवाब देंगे 2024 में। 2024 के चुनाव के लिए क्या रीतलाल यादव तैयार है? मेरा शुभ्रा गठबंधन तैयार है। क्या लग रहा है बिहार में, जो अगर देखे 2019 की परिस्थिति, उसमें बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। देखिए किस तरीके से तमाम जो नेता हैं राजद के, वो इस वक्त सड़कों पर हैं। आप सुन रहे थे रीतलाल यादव को, देखिए देखिए उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो देखिए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ महागठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए सड़कों पर जय सलाब उमड़ा है और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि 2024 जो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जनता नकारेगी, मगर सियासत भी गर्म है। तमाम महागठबंधन के नेता जब सड़कों पर उतरे हैं, रीतलाल यादव को आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। रीतलाल यादव का कहना था कि अगर वो सदन में होते तो मुंहतोड़ जवाब देते, जनता की बातों को उठाते और इसी तरीके से बुलंद आवाज़ में सदन के अंदर भी गरजते नजर आते। खैर, इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।